Welcome back to our channel RS Public School Parashar Gajipur. I'm going to teach you about science and our topic is acids, bases and salts. Among them, I have told you about in my previous video acids and bases. Already told you. Now let us we are going to teach about indicators. So our topic is indicators. Indicators. What is indicators? There are so many things present in liquid states which are not possible to testing in lab. So there is a paper called litmus paper, or this is called indicator, which is used for these chemical properties of liquid or any substances. यानी बच्चे indicators हम उसे कहते हैं, indicators हम उसे कहते हैं जो किसी भी liquid की chemical properties, यानी कि वो acidic है या basic है, उसे show करे. ये होता है इंडिकेटर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स. दीज इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकेंड केमिकल इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर्स. क्लियर. ये इंडिकेटर्स दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक. नेचुरल वे विच आर फाउंड नेचुरली, जो नेचुरली तरीके से पाए जाते हैं वे नेचुरल इंडिकेटर हैं. जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स में जैसे लाइकेंस टर्मेरिक यानी कि हल्दी और चाइना रोज. क्लियर है. सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो लैब में वी कैन प्रिपेयर दिस टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स इन लैब बिकॉज ऑफ दिस आर मैन मेड, सो दिस आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर. क्लियर है. दिस आर फेनेथिलीन और क्या होता है मिथाइल ऑरेंज. ये जो है सिंथेटिक इंडिकेटर है और ये जो है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, जिसमें कि सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे लाइकेंस के बारे में. ये लाइकेंस क्या है? व्हाट इज लाइकेन? क्लियर. लाइकेंस आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स विच लिविंग और एसोसिएट टुगेदर. ठीक है, कार्ड सिम्बायोसिस. हम ये सिम्बायोसिस किसे कहते हैं कि ये जो है दो प्रकार के प्लांट्स, फंजाई यानी कि फंगस, और दूसरा क्या होता है, एक तो फंगस हो गया और दूसरा एल्गी, ये दोनों आपस में जो है कि एक साथ रहते हैं, फंगस भी और एल्गी भी, और दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं. ठीक है, जैसे फंगस एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को जो है एब्जॉर्ब करता है फंगस, और ये एल्गी जो है क्लोरोफिल होने की वजह से उस पानी को लेकर के भोजन बना देता है. ठीक है, तो इसी भोजन से जो है कि एल्गी का भी काम चलता है और इसी भोजन से फंगस का भी काम चलता है. तो इस प्रकार का जीवन जिसमें टू ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल. ठीक है ना, दो ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हो,
ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये लाइकेंस जो होते हैं बच्चे, ये सिम्बायोसिस का जीवन बिताते हैं। अगर हम इन्हें दो प्रकार के एक पेपर के रूप में बना लेते हैं, लाइकेंस का ये पेपर है, एक जो है रेड है और एक ब्लू पेपर है। हम इसे जो है लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं, लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। अगर एसिड को अगर हम इस रेड पर डालेंगे, नो इफेक्ट। किसी एसिड को अगर रेड पेपर पर डालते हैं लिटमस पर तो नो इफेक्ट, लेकिन ब्लू पर अगर डालते हैं तो ब्लू चेंज इनटू रेड, ये रेड में चेंज हो जाता है, ये ब्लू रेड में चेंज हो जाता है। ठीक इसके उल्टे अगर हम कोई बेस डालते हैं तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बेस का इस ब्लू पर डालेंगे तो नो इफेक्ट। इससे पता चल जाएगा आपकी ये हमारा केमिकल सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। कंफर्म हो रही है बातें ना, ये लिटमस पेपर ये काम करता है कि बेस अगर हुआ तो उसे रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, और यदि एसिड हुआ तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। अगर इस एसिड वाले ब्लू पर जो है कि अगर हम बेस डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार से रेड वाले लिटमस पर अगर हम एसिड डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस पर बेस का इफेक्ट होगा और इस पर एसिड का इफेक्ट होगा। क्लियर बात है। अब दूसरा हमारा है टर्मेरिक। आप सबों के घरों में ये बच्चे पाई जाती है टर्मेरिक, यानी कि हल्दी। हल्दी आप हल्दी को पीस लो बच्चों, हल्दी को पीस लो, और यदि बेस हुआ जैसे कि चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम COH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये हुआ चूना हुआ, थोड़ा सा लेकर के उस पीसे हुए हल्दी के साथ मिलाते हैं तो ये चेंज कर देता है इसका कलर। ये क्या कर देता है, इसका कलर चेंज कर देता है रेड में। लेकिन अगर एसिडिक हुआ तो कोई इफेक्ट नहीं, हल्दी पर एसिडिक चीजों का कोई इफेक्ट नहीं, जबकि बेसिक चीजों का इफेक्ट होता है कि वे हल्दी के कलर को चेंज कर देते हैं। सो ये भी एक प्रकार का इंडिकेटर है। क्लियर ना। चाइना रोज को देखते हैं हम लोग, चाइना रोज यानी कि इसकी पंखुड़ियों को हम लोग लेते हैं और इसका जो है क्या करते हैं कि वाटर जो भी इसका जूस है उसे हम निकाल लेते हैं। तो इस रोज के हम एक ग्लास में जूस को निकाल लेते हैं जो कि एक हल्का लाइट पिंक कलर का ये होता है, पिंक कलर का होता है जब ये न्यूट्रल होता है तब। क्लियर बात है। और अगर हम इसमें जो है इसी हल्के पिंक में जो है यदि हम एसिड डाल देते हैं तो ये क्या हो जाता है, एकदम डार्क पिंक कलर का ये हो जाता है, डार्क पिंक कलर का हो जाता है, जिसे हम लोग डार्क पिंक एसिड जैसे ही डालते हैं ये पिंक कलर डार्क पिंक में चेंज हो जाता है, यानी मजेंटा कलर में ये आ जाता है, मजेंटा कलर में ये आ जाता है। और यदि बच्चों अगर बेस हुआ तो अगर हम इस पिंक वाले सॉल्यूशन में जो है चाइना रोज के अगर हम बेस डालते हैं, बेस डालते हैं यदि हम, तो ये ग्रीन कलर में बदल जाता है, ग्रीन लाइट ग्रीन हल्का हरा कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रहे बच्चे हमारे इंडिकेटर। और आप सब लोगों का बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वी विल अगेन मीट टू यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।